असलम व्यूअर्स वेलकम बैक टू माई चैनल डेली फूड्स वेब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी मीठे घी की सब्ज़ी जिसको काशी फल भी कहते हैं और पम्पकिन भी कहलाया जाता है बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको और बहुत मज़े की सब्ज़ी मिलेगी चले मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या ऐड कर रही हूँ इस पर मैंने लिए है एक बड़ी प्याज अगर आप चाहें तो दो दरमिया भी ले सकते हैं और इस मैं डालूँगी कद्दू के साथ उसके छिलके भी जो मैंने बारीक बारीक कट कर लिए थे एक किलो मैंने कद्दू लिया है और यानी मीठा घिया आप समझ लीजिए एक किलो मैंने मीठा घिया लिया है और इसके छिलके मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं और इसके गूदे को भी अलग से मैंने कट कर लिया है आप देख रहे होंगे कि मैंने कितने बारीक कि इसको कट किया है और ये इसके पीस मैंने चकोर चकोर से काट लिए थे ये बग़ैर पानी के बहुत ज़बरदस्त गल जाते हैं बिल्कुल स्टीम पे हम रखेंगे इसको तो और ये मैंने इसमें 10 से 12 लाल साबुत मिर्चें ली हैं और वन टीस्पून मैंने नमक लिया है और वन टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है आप चाहें तो अपने हिसाब से भी नमक मिर्च रख सकते हैं और इसमें एक आद तकरीबन तो थोड़ा सा मैंने इमली का पल्प लिया है आप थोड़ी सी इमली भिगो के और उसको ऐड कर सकते हैं चलिए मैं पतीली रख चुकी हूँ उसमें मैंने एक कप ऑयल लिया है गोल्डन फ्राई करने के बाद आप ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं प्याज को क्योंकि प्याज हमें अच्छी सी गोल्डन चाहिए इसमें और आप देख रहे होंगे कि बहुत बारीक कटी हुई प्याज है और ये बहुत अच्छी सी गोल्डन हो जाएगी इस ऑयल में अगर आप कम तेल खाते हैं तो आप उसको ऑयल को थोड़ा सा अलग कर लीजिए प्याज गोल्डन करने के बाद और प्याज के साथ ही हम ये लाल साबुत मिर्चें भी अच्छी सी कुरकुरी करेंगे ताकि बहुत अच्छी सी हमारी लाल साबुत मिर्चें जब कुरकुरी और प्याज भी कुरकुरी हो जाएगी तो फिर हम इसको हाथों से मस लेंगे या अगर चाहें तो आप चॉप भी कर सकते हैं ये सब्जी आपको बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आपने कीमा खा लिया लुक में भी और टेस्ट में भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसका ये देखें प्याज़ हमारी लाल हो चुकी है और आ, लाल साबुत मिर्चें भी बहुत अच्छी सी कुरकुरी हो गई हैं बस अब हम इसको निकालेंगे और फिर कहूँगी कि इसमें पानी की बूंद भी नहीं डालूंगी अभी शुरू में तो क्योंकि फिर एंड में बस दम लगाते वक्त हम इसमें पानी डालेंगे सब्ज़ी में और सब्ज़ी भी वैसे भी जितनी बगैर पानी की पकती है बहुत ज़बरदस्त उसका रिजल्ट आता है प्याज मैं सारी निकाल चुकी हूँ बस अब हम इसमें जस्ट अपना ज़ीरा कड़कड़ाएँगे और ये देख रहे होंगे आप प्याज के लुक कितनी अच्छी गोल्डन हो चुकी है हमारी प्याज बस हम इसको ठंडा करेंगे और हाथों से क्रश कर लेंगे ये ज़ीरा मैं डाल रही हूँ इसमें वन टीस्पून और इसको बस खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करेंगे फिर मैं इसमें डालूंगी जरा सा ही अच्छा सा कड़कड़ आ जाए तो पहले हम इसमें ये छिलके कद्दू के पकाएंगे ताकि थोड़े से नरम हो जाएंगे फिर उसके बाद हम इसमें साथ ही थोड़ी देर में वो भी डाल देंगे उसका जो गूदा है जिसको मैंने कट करके रखा है और बहुत सिलो पे फिर कहूँगी ये सब्ज़ी ज़रा सिलो पे पकती है ताकि अपने ही पानी में बहुत अच्छी सी ये गले और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आए वरना अगर ज़रा सी भी खड़ी रह जाएगी तो इतना मज़ा नहीं आएगा नरम सी और जरा मिक्स मिक्सी सब्जी जिसमें गूदा और ये छिलके दोनों मिक्स हों वही मज़े की लगेगी चले हम इसको कवर करके पकाते हैं ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ इसमें गूदा और ये आप देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत कलर का लग रहा है माशाल्लाह हमारा मीठा मीठा गया खाने में भी इतना ही ज़बरदस्त लगेगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें बस अब हम इसको रखेंगे थोड़ी से दम पे ताकि इसका जो मॉइस्चर है उसी में ये अपने अच्छे से गल जाएगी ये देखिए मैं कवर करके इसको पकने के लिए रखनी हूँ थोड़ा सा ताकि ये अच्छी गलसी जाए ये देखें गल चुकी है और तकरीबन फिफ्टी परसेंट हो चुकी है अब मैं इसमें डाली हूँ जो मैंने प्याज को क्रश किया था लाल साबुत मिर्चों के साथ ये मैं इसमें ऐड करूँगी और तु, बुनाई वगैरह तो इसमें कोई ख़ास होती नहीं है बस इसको दो तीन हाथ चलाएँगे हम और अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर इसको जस्ट दम पे रख देंगे ताकि इसकी बहुत अच्छी सी गलावट हो जाए देखें आप लोग देख रहे होंगे ये सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं इसके अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं और बहुत मज़े की आपकी सब्जी तैयार हो जाती है आप देख रहे होंगे इसके लुक बिल्कुल गोल्डन सी हो गई है ये कलर देखिए आप इतना प्यारा आया ऐसा लग रहा है जैसे हम कीमा हमने भुना है और बस अब हम इसमें इमली का पल्प डाल रहे हैं इमली आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड हो ये देखें बस इस पल्प के साथ ही हम इसको लगाएंगे दम पे और आप इसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं पराठों के साथ चपाती के साथ रा, बॉयल राइस या गार्लिक राइस के साथ भी बहुत मज़े की लगती है ये ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी सब्ज़ी और अब मैं आपको इसकी लुक दिखाऊँगी डिश आउट करके कितनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी लग रही है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप दम का क़ीमा निकाल रहे हैं डिश में तो बस अब इसको आप इंजॉय कीजिए और बनाइए ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी झटपट बनने वाली और इसमें हरा धनिया डालना बिल्कुल ना भूलिएगा और गार्निशिंग के लिए आप हरा धनिया हरी मिर्चें अदरक भी यूज़ कर सकते हैं इसमें बहुत मज़े की लगती है अदरक मैं फिर कहूँगी मुझे कमेंट में बताइए मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपके आप लोगों के कमेंट का फिर मिलूँगी इन इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़